या राजापुरातील कपडे. तसेच या संघात खेळायला सुरुवात होताना दिसतंय. स्वतः पहिला आणि संघाचा पहिला फटक घेऊन येतो तू जय गुरव. स्वतः प्रवेश गुरव सामन्यात आहे. सामना चालू करताना दिसतायत. जय केलेले चेंडू एक धाव मात्र पळू काढलेले आहे. धाव संख्या एक ने भर भरते. धाव संख्या पोहोचली एक वरती तीन बाद एक. संध्याची सुरुवात करताना दिसतोय निवर्मान राजापूर हा संघ. पुन्हा एकदा चेंडू पेक करतोय. त्यांचा नऊचा इशारा आहे. धाव संख्या बरोबर सुरेख अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करताना दिसतोय. जय गुरव. सुंदर चेंडू आहे. बघूया पंचांचा व्हाईटचा इशारा आहे. धाव संख्या अवंतरने पडणार आहे. पुन्हा एकदा महाराष्ट्र ऐकला चेतन चव्हाण. पुन्हा एकदा राज चेंडू पेक करणार. बघूया पंचाकडून गाठ घेतली जाते. राज चेंडू पेक करतोय. सुंदर चेंडू आहे. लॉकल पद्धतीचा चेंडू आहे. रनआउटची संधी आहे. पंचाकडे अपील मागितली जाते. पंच अपील फेटाळून लावतायत ना. जय सुंदर चेंडू आहे. चेंडू काय बॅटच्या पलट्यात येत नाही. धाव संख्या आहे तिथेच चार. मिडमात चार. करण आणि गौरव स्ट्राईकला. करण नॉन स्ट्राईकला. गौरव पुन्हा एकदा. जय करण साठी. जय सुंदर चेंडू आहे. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. चेंडू खेळ आपल्याला बघायला मिळतोय. दोन्ही संघात मुंबईचे खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा जय करण साठी. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू हलकेत तटवलाय समीर नवाळे. चेंडू आडवेपर्यंत फेकेपर्यंत जायला षटक चालू आहे. पुन्हा एकदा जय गौरव सूद साठी. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू नवीन फलंदाज युसुफ प्रसन्न मला वाटतं बाबू स्वतःचा पहिला आणि टावातील दुसरा षटक सामना करणार. करण नॉन स्ट्राईकला नवीन फलंदाज युसुफ बाबू. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू काय करायचं. एक बाद सहा बाद झालेला फलंदाज गौरव तंबूत. पुन्हा एकदा बाबू करण साठी. पंचाचा नऊचा इशारा आहे. एकूण दोन धावा फलंदाज गौरव सोद तंबूत. पुन्हा एकदा बाबू. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू तडकवतोय सीमारेषेच्या दिशेने. चेंडू सीमारेषा पार चार धावांसाठी. पुन्हा एकदा बाबू. सुंदर पट्टाय सीमारेषे बाहेर चार धावांसाठी. गावातील दुसरा षटक चालू असताना धावसंख्या 16. धावसंख्येला चांगला आकार आलेला आहे. बघूया बाबू. सुंदर फटका आहे. डबल शॉट बदलाय. बाबू भोसले चेंडू अडवतोय. एक धाव मिळते. हॅलो खरोखर प्रेक्षकांमध्ये रुपेश कांबळी. पुन्हा एकदा बाबू कॉन्ट्रॅक्टर एमएसबी. सुंदर चेंडू व्हाईटचा इशारा आहे. 18. पुन्हा एकदा बाबू युसुफ युसुफ साठी. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. पुन्हा एकदा बाबू युसुफ साठी. बाबू सुंदर चेंडू आहे. पंचांचा करण सलामीला आलेला करण साठी. सुंदर चेंडू आहे. ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू. चेंडू हलके तटवलो आहे. जयचा युसुफ साठी. सुंदर चेंडू आहे. बघूया पंचांचा इशारा वाईट. जय चेंडू पेक करतोय. सामना करतोय युसुफ. सुंदर चेंडू ब्लॉक होईल पद्धतीचा चेंडू. चेंडू काही युसुफला समजत नाही. जय चेंडू पेक करणार भूषण साठी. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करताना दिसतोय भूषण साठी. सुंदर चेंडू आहे. चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका दावेसाठी. पुन्हा एकदा जय भूषण साठी. सुंदर चेंडू आहे. पंचांचा नऊचा इशारा. एकूण दोन बाद झालेला फलंदाज युसुफ तंबूत. पुन्हा एकदा राज जय भूषण साठी.
सुंदर चेंडू आणि फलंदाज बाद हा खेळाडू थोडासा खेळाडू आहे जय बापल साठी जय चेंडू मी करणार सुंदर चेंडू आहे चेंडू हलके तटवे आहे एका डावीसाठी धावस मिस्त्र शेटा जयचा अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करताना दिसतोय जय कारण सलामीला आलेला फलंदाज खेळपट्टीवर सुंदर चेंडू आहे चेंडू काय करणला समजेल स्पर्धा आजचा अंतिम दिवस आपण पाहतोय या स्पर्धेतलं तर एक दर्जेदारशी लढत आपण पाहतोय राजापूर प्रिन्स विरुद्ध राजापूर न्यू हनुमान राजापूर यांच्या दरम्यानची लढतीवर येतो आहे अडुसष्ट चा ब्रेक पहिला चेंडू असं एक प्रकारचा चेंडू एसटी उद्वस्तो पहिला ब्रेक थ्रू आपण पाहतोय एकूण 25 धावांवर चौथा ब्रेक थ्रू केला जातोय न्यू हनुमान राजापूर संघाला सुरू एक प्रकारचा चेंडू आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं वायदेश मिडवे वायदेश लॉकअप लावले आणि लॉकअपच्या दिशेने चंद्रक्षक लावले तीन चंद्रक्षक ऑफ साइड चक्षक लावले आपण पाहतोय अमित चव्हाण ऑन साइडच्या रोखाडा बाबू मुंबईचा एक दर्जेदार असा खेळाडू ऑन साइडच्या रोखाडा आहे तर समीर ऑन साइडच्या रोखाडा असणार ऑफ साइडच्या रोखाडा आपण पाहतोय शशिकांत शशांत भोसले त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय मला वाटतं या ठिकाणी सूरज असणार आहे ज्याने चिपून मध्ये एक दर्जेदार खेळा पुन्हा एकदा या राजापूर चैतिहासिक मैदानात खेळता दिसणार सुरेख प्रकारचा चेंडू चेंडू लॉकअपच्या दिशेने चौथे षटक चालू या ठिकाणी गोलंदाजीवर हर्षद तापडे थोडस मागणं ठरतो ह्या चेंडूवर उजवेष्टीवरचा चेंडूवरचा चेंडू मात्र खेळून काढतो वन बाउन्सवर लॉकअपच्या दिशेनं चौकर निघतोय पुढचा चेंडू त्याच प्रकारची दिशा आहे पुढचा चेंडू सुरेख प्रकारचा चेंडू ऑन साइडच्या रोखाडा खेळतो आहे समीर निर्माण येते चेंडूं डाऊट संख्या स्थिर आहे पुन्हा एकदा पुढचं चेंडू आहे सुरेख प्रकारचा चेंडू सुरेख प्रकारे खेळतो या ठिकाणी एक दर्जेदार संघामध्ये आहे न्यू हनुमान राजापूर संघाचा प्रतिनिधित्व करतोय नॉन स्ट्राईक ला असणार आहे स्ट्राईक इन दानिश बाबू गोलंदाजीवर येतोय स्ट्राईक इनच्या दानिश साठी पहिला चेंडू असणार आहे राईट अम राऊंड विकेटचा मारा आहे चंद्रक्षण मात्र थोडस वेगळं सजवलंय यावेळेत्र डावेष्टीच्या बाहेर दानिशची स्ट्राईक इन असणार आहे पुढचा चेंडू राईट अम राऊंड कडे सुरेख प्रकारचा चेंडू आहे स्पर्धा जय महाराष्ट्र प्रीमियर लीग 2018 चा एक दर्जेदार सामना पाहतोय या ठिकाणी न्यू राजापूर न्यू हनुमान बाबू मॅन फ्रॉम मुंबई गोलंदाजीच्या मार्गावर असणार स्ट्राईक इंडा किरण आपण पाहतोय या ठिकाणी मॅन फ्रॉम चेंबूर सुरेख प्रकारचा चेंडू ऑन साइडच्या रोखाड संख्येवर दाबून पाचवे षटक आपण पाहतोय गोलंदाजीवर बाबू गोलंदाजी करतो पुढचा चेंडू आहे या मिनिटर पॅन चेंडू पायावर लागतोय दरम्यान मोशी स्वरूपात जातो आहे लेग ठिकाणी न्यू हनुमान राजापूर संघ पुन्हा एकदा त्याच प्रकारची दिशा त्याच प्रकारचं नियंत्रण राईट टर्म राऊंड विकेट महाराष्ट्र साठी सुरेख प्रकारचा चेंडू आहे सुरेख प्रकार खेळतो आहे एवढंच ताकदीचं क्षेत्र मुंबई मला वाटतोय रेम्बो संघात खेळणारा वडारतला खेळाडू मुंबई म्हटलं तर मुंबईचे अनेक ठिकाण आहेत ठिकाणातला हा वाड्यालाचा खेळाडू गेला आम्ही पाहिलं मला वाटतोय की माझ्या 5 ते 6 दिवस आधी स्पर्धा झाली ती चिपळूणमध्ये मंकी गोलंदाजी करतो आहे रेम्बो संघातला सूरज आपण पाहतो या ठिकाणी गोलंदाजी बरं आहे पुढे एकदा राईट टर्म राऊंड विकेट तुम्हाला स्ट्राईक एंडा करत खेळण्यासाठी सज्ज राईट टर्म राऊंड विकेट मॅन फ्रॉम वाड्याला मॅन फ्रॉम वाड्यालाचा खेळाडू गोलंदाजी करतोय सूरज मॅन फ्रॉम वाड्याला पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू महेश राडीसाठी पुढचा चेंडू सुरेख प्रकारचा चेंडू आपण पाहतोय राजापूरचा खेळाडू आहे जनक आहे दौसंख्ये एकूण पाहतोय 43 धावांवर शेवटच्या 4 चेंडूचा घेत सूरज गोलंदाजी करतोय स्ट्राईक इनच्या रुपेश राणीसाठी पुढचा चेंडू राईट अम राऊंड विकेट मारा यामध्ये सुरेख प्रकारचा चेंडू ऑन साइडच्या रोखाने खेळतोय दरम्यान फेक केली जाते आहे चेंडूकडे आपण पाहतोय चेंडूवर आला होता तो म्हणजे तोच जय गुरव आपण पाहतोय गोलंदाजीवर पुन्हा एकदा वडारलाचा खेळाडू आपण पाहतोय सुरेंद्र पुढचा चेंडू स्ट्राईक इनचे दानिश साठी असणार आहे सुरेख प्रकारचा चेंडू सुरेख प्रकार खेळतो आहे चेंडू किनारी जवळ 48 5 गडी बाद 48 धावसंख्या गोलंदाजीवर राईट टर्म राऊंड विकेटचा मारा असणार स्ट्राईक इनच्या दानिश साठी सुरेख प्रकारचा चेंडू आहे आम्ही मात्र ऐतिहासिक अशी स्पर्धा जे एम पी एल नावाने नावाने अशी स्पर्धा साईड पर आहे वरील खिलाडी बारा साईड पर आहे
बहुत बड़ा मुकाबला चलता है इस बार बीच मैदान पर। फिर एक बार अपने बोलिंग बार पर स्ट्राइक गेंद पर बाबू के लिए पंपश है भूषण टू बाबू। फिर एक बार अपने बोलिंग बार पर इस बार बहुत अच्छी गेंद को टॉस की लगातार टॉस की दो गेंदों पर दो सिंगल छुड़ा है। फिर एक बार भूषण अपने बोलिंग बार पर स्ट्राइक गेंद पर बाबू खेलने के लिए राइट अब राउंड अच्छी गेंद उम्र चौथा 49 रनों का पीछा मानो आसानी की तरह पीछा कर रहे हैं। स्ट्राइक गेंद पर बाबू नॉन स्ट्राइक गेंद पर हम देख रहे हैं अमित चौहान। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर इस बार अच्छी गेंद ट्रैवल की इस गेंद को आउटसाइड की दिशा में पीछा चौथा बाबू शिंद अपने बॉलिंग बार पर लॉन्ग ऑन वैतीश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मिड विकेट रखा है एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ इस बार और वैतीश लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है। फिर से एक बार भूषण अपने बॉलिंग बार पर चार गेंदों में 7 रन खर्च किया। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद हर गेंद पर रन आ रहा है भूषण के फिर से क्या कर रहे हैं 8 रन पारी कम टिक रहे पैदा ऊपर चटापा। फिर से कर अपने बॉलिंग बार पर राइट अप राउंड विकेट से गेंद बांधी करके बाबू की अच्छी गेंद ब्लॉक ऑन विकेट बांधी करने की कोशिश प्लेयर स्ट्राइक गेंद पर हम देख रहे हैं बाबू नॉन स्ट्राइक गेंद पर इस बार अमित सफा नॉन साइड पर तीन खिलाड़ी का तैनात ऑफ साइड पर गेंद बिना कर तीन खिलाड़ी का तैनात है। गेंद बांधी करने के लिए तैयार आकाश स्ट्राइक गेंद पर बाबू के लिए 9 रन पहले ओवर में बन गए। अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार गेंद बांधी करेंगे। अगली गेंद पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद और टॉस गेंद गेंद दिया था लगा पर इशू आए थे रन पारी का दूसरा ओवर चक्का गेंद बांधी करने के लिए तैयार आकाश राजापुर का शातिर दस्ताना इस बार स्ट्राइक गेंद पर है। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर गेंद बांधी करने के लिए तैयार अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद छक्का मार देती हुई गेंद बहुत अच्छे विकेट कीपिंग करते हुए करण मैन फ्रॉम चेंबूर की शायद खिलाड़ी। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर फुल टॉस गेंद पर हम देख रहे दूसरा ओवर चौका 6 ओवर में 49 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर गेंद बांधी करने के लिए तैयार अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद बहुत फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर गेंद बांधी करने के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंड गेंद बांधी स्ट्राइक गेंद पर बाबू के लिए बाबू के निकले तैयार है। गेंद ओहो नो बॉल नो बॉल का इशारा कृपया अपन अपने वाहन बाजूला करायचे बाबू यार कमोस देता बोले बाबू वेलकम बैक। फिर से एक बार बीच मैदान पर जाते रन संख्या 15 रन आकाश अपने बॉलिंग बार पर स्ट्राइक गेंद पर अमित चौहान बहुत अच्छी गेंद इस बार छक्का दे सकते थे पूरी तरीके से अमित चौहान आगे गए थे। बॉलिंग बार पर रूपेश राडे पैन फ्रॉम राजापुर इस बार गेंदबाजी पर है। राजापुर की गेंदबाजी स्ट्राइक गेंद पर बाबू के लिए पहली गेंद भारी किधर रहा था एक रन बनता रन संख्या पर मेरा कर 16 रन पारी का तीसरी ओवर का खेल चौथा रूपेश राणी की अगली गेंद ये खराब गेंद ऑफ से काफी बाहर व्हाइट बोर्ड के 17 रनों पर ऑफसाइड पर तीन खिलाड़ी फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर अच्छी तरीके से गिरा इस गेंद को शॉट का रन संख्या पर मेरा कर 18 रन पारी का तीसरा ओवर चौथा गेंदबाजी पर हम देख रहे रूपेश राणी अपने बॉलिंग बार पर राइट अपराउंड इस बार और फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा रन से बढ़ती फिर रन संख्या पर मेरा कर 19 रन फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पांच के जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत है। इस ओवर में कमबैक करना बहुत जरूरी है। अगली 3 ओवर में देखना क्या होगा। ये गेंद खराब गेंद व्हाइट बॉल रनों की जरूरत है। अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करके लगातार खराब गेंदबाजी करने को रन संख्या को बिना करे 30 रन फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन पर गिरा बहुत अच्छी बैटिंग यूसुफ नामे संग्राम लगाया था 1 लाख के टूर्नामेंट में हमने देखा था। फिर से एक बार 18 रनों की जरूरत है। भूषण मैन फ्रॉम अंबरनाथ गेंदबाजी करने का अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद पैरों पर गेंद की थी अभी भी जीतने के लिए चाहिए। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर राइट अप ऊपर तो विकेट जॉन साइड पर तीन खिलाड़ी ऑफ साइड पर तीन खिलाड़ी फिर से एक बार अपने बॉलिंग अच्छी गेंद
खिलाड़ी दानिश को ऑफ साइड से हिप एक्सपेक्ट कवर के खिलाड़ी को इस बार आगे खड़क गया। फिर से एक बार भूषण अपने बोलिंग मार पर अमित चौहान के लिए लेफ्ट हैंड पर निपट के निकले थे। गोटी की रफ्तार से गेंद के तेज मार बहुत अच्छी गेंद बातचीत देखने एक से बढ़ती विनर से क्या कुछ मिलाकर 23 अच्छा आंकड़ा तब 3-3 33 रन। फिर से कर अपने बोली बार बच्ची के बहुत गुड पिटिंग के साथ मेरा ये क्या चल रहा है ये पिटिंग चलती हुई 27 रन बने 12 रन की जरूरत है। फिर से एक बार भूषण अपने बोलिंग मार पर अच्छी गेंद बहुत गुप्त के साथ गिरा आसानी के साथ अक्षय आते हुए गेंद के नीचे बहुत अच्छी पिटिंग एक रन है। डाउकर गोलंदाज अक्षय आकाश मकर आकाश गोलंदाजी मरे तो है डाउकर गोलंदाज स्ट्राइक गेंद के नीचे जाओ तेरा पिक्चर डकर सुरेख प्रकार का छेदू गरज असणार विजयासाठी एक दुर्शिकेशी लढत आपण पाहतोय। दोन संघाच्या दरम्यान आपण पाहतोय या ठिकाणी 10 चेंडू 10 धावांची गरज आहे। गिनपाती बरोबर एक बार गिनपाती करके अमित चौहान केले अमित चौहान के टिकले ते लेफ्ट राउंड विकेट चे हाय अगर पेनल्टी मिलती है आपको पता है हर गलती पर देरी करने पर भी मिनटों पर इनिंग फिनिश करनी होती है। उस पर अगर देखा जाए भूषण इस बार गलती कर रहे कोई रोकथाम नहीं है इसलिए लगातार देरी कर रहे हैं। फिर से एक बार 6 गेंद 9 रन की जरूरत है। हाई वोल्टेज वाला मुकाबला होने की संभावना पेंडिंग की जमा बट ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी है ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी प्रवीण पांडे करके पहली गेंद अच्छी गेंद गौरव सूद प्रवीण पांडे कर अपने बोलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक गेंद पर अमित चौहान बहुत शानदार खिलाड़ी है देखा जाए तो बहुत बड़ा मुकाबला का डीजे नीचे हम तैयार कर जाते हैं। 5 गेंदें बची है 8 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक गेंद पर अमित चौहान है अमित चौहान 4 गेंदें 8 रन तानिया बनी चाहे राजापुर वाले एक बार अच्छा था 4 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। हाई वोल्टेज कोरोनी की संभावना ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी फिर से कारण निकल रहा है रास्ता किसी को पसंद नहीं हर कोई चाहता है जीतना इस बार बहुत बड़ा मुकाबला इस बार के तांबा स्ट्राइक इन पर अमित चौहान नॉन स्ट्राइक इन पर फीट मांगो कर अपने बोलिंग पार पर गेंदबाजी करके स्ट्राइक इन पर अमित चौहान के लिए अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार सिंगल चुराने की कोशिश तो खिलाड़ी को उत्साह बढ़ता है तो मजा ही आपका सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा अलग अलग फिर से एक बार अपने बोलिंग मार पर बाबू स्ट्राइक गेंद पर नौ स्ट्राइक गेंद पर एक बार अमित चौहान फिर से एक बार अपने बोलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए राइट ऑफ राउंड कर चुके पाते राजापूर प्रिन्स विन द मॅच
कधी आपण खेळतोय या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच मार्क ठरला बाबू सध्या जोरदार आहे उद्या विनंती करताय खोकोट आली बाबू मॅन फ्रॉम मुंबई बाबू आज की जो बातचीत करके आपने पहला मुकाबला जीता मेरे पहला मुकाबला देखा आपने बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और पहले आप आपका परिचय देंगे किस टीम से लेके बम्बई से और किस इलाके के खिलाड़ी हो मैं अंबरनाथ से हूँ और ओमता टीम में खेलता हूँ एक्चुअली ये मैच जीतना हम लोग को बहुत जरूरी था टीम का नाम आपने पता है ओमकार ओमकार टीम का नाम है और अंबरनाथ जहाँ से ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जिन्होंने जन्म लिया था वहाँ से आप हो और ये टॉप क्लास का खिलाड़ी वही से और क्या कहूँगी राजापुर के टूर्नामेंट के बारे में राजापुर में खेलने के लिए हम लोग सब इच्छुक रहे थे बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहता है अरेंजमेंट रहता है सब पूरा एकदम अच्छा रहता है और इसके पहले का टूर्नामेंट क्यों हुआ था आर यू पी एल का आप फॉर्म खेले बनाते हैं उसके पहले के टूर्नामेंट में एक्चुअली मैं लेट हुआ था मुझे खेलना था वो टूर्नामेंट लेकिन नहीं खेल पाया जरूर है पिछले साल आएगा अगला साल पिछला साल हमने देखा अब सीजन 4 चला गया सीजन 5 पर जाएंगे तब आप जरूर देखने चाहिए क्योंकि और पंजाब सिटी को भी लाना बाबू पप्पू की जोड़ी मुंबई की शान और एक बार तालियां बजनी चाहिए मैन फ्रॉम अंबरनाथ बाबू थैंक यू बाबू ऑन द बेस्ट अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे।